मुझको तुम्हारी याद सताती है हर घड़ी, मुझको तुम्हारी याद सताती है हर घड़ी। अब्बा मुझे यतीम रुलाती है हर घड़ी। मोहतरम हाजरीन सामाइन व सामियात, अब वह घड़ी आ गई है जिसके इंतज़ार में हम लोग दोपहर से ही मुंतजिर थे, जिसके इंतज़ार में हम लोग यहाँ वक्त अपने हाथों के अंदर घड़ी की सुइयां को देख रहे थे, मोबाइल निकाल करके देख रहे थे कि बहुत ही ताखीर होती जा रही है। हमारे इज्जत माँ मेहमान साहब अभी तक नहीं पहुँचे हैं, बिला किसी ताखीर और बिना किसी तारीफ के। उस शख्स की क्या तारीफ की जाए जो दिन की तारीफ दुनिया करती है। मैं एक शेर के साथ कि मेरे पास कुछ नहीं है तुझे दूं अगर तो क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं है तुझे दूं अगर तो क्या दूं, चलो दिल तुम्हारे सदके चलो जान मैं लुटा दूं। मैं बड़े ही इज्जत एहतराम के साथ इस प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री इज्जत माब वजीर आला जनाब मोहम्मद लाल बाबू राव गद्दी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप आए और जलवे स्टेज हो और ये जो आपके मुंतजरी सामयीन और सामियात हैं उनके दिलों तक अपनी आवाज को पहुंचाए। इंशाअल्लाह आपका जो मिशन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका अच्छा बदला देगा। जनाब इज्जत माब वजीर आला मोहम्मद लाल बाबू राउत गद्दी स्टेज पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री जी, माननीय प्रदेश सभा अध्यक्ष जी लोग और ये कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट महानुभावगण और ये कार्यक्रम के शोभा रौनक बढ़ाने के लिए उपस्थित तमाम लोगों में मेरा फिर एक बार मैं फिर अस्सलाम वालेकुम भा रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले आप लोगों ने जो बात रखा बिल्कुल सही है और जो ये मदरसा बच्चियों को जो तालीम दे रहा है काफ़ी प्रशंसनीय है। निश्चित रूप से आप लोग की तालीम की वजह से अतीम गरीब सामान्य परिवार के बच्चियों ये जगह तालीम ले रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। मुझे लगता है इस समग्रता में देखा जाए जब हम बात करते हैं शिक्षा के तो मुस्लिमों काफी पीछे है शिक्षा में। ये प्रदेश में कमोबेश वैसी सरकारी डेटा कहता है जो 12% है लेकिन उससे भी ज्यादा मुस्लिमों के तादाद है। लेकिन जब हम शिक्षा के बात करते हैं तो हम काफी पीछे हैं। गरीबी हमारे काफी ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, जाहिलियत सबसे ज्यादा है, ये सारी समस्या है। बड़ी खुशी लग ये मदरसा इतना बड़ा बच्ची ये बच्चों को तालीम दे रही है, बहुत अच्छा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जो गार्जियन पढ़ाना चाहेंगे उनकी बच्चियां ना आएगी। मुसलमानों के सबसे ज्यादा समस्या ये है
जो उस शिक्षा के जो तवज्जो जो महत्व देना चाहिए वो नहीं देते, इसलिए हम पीछे हैं। आपके बड़े बड़े बिल्डिंग है उसका कोई कीमत नहीं है, बड़ा बिल्डिंग बनाए हैं, बहुत सारा जमीन के मालिक है, लेकिन आपके पास शिक्षा नहीं है, आप अपने बच्चों को काबिल नहीं बनाए हैं, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ये हकीकत ही है। लेकिन गरीब है, लेकिन वो अपने बच्चों को अच्छा तालीम दिया है, वो बड़े बिल्डिंग और बड़े महल और बड़े लैंडलॉर्ड से वो काफी अच्छा है। मुसलमान अपने बच्चों को जब स्कूल जाने के समय आता है तो भेज देता है वो कपड़ा सिलाने सीने के लिए, भैंस चराने, बकरी चराने, ऐसे ऐसे में लगा देता है, तो कैसे आपके अवस्था सुधरेगा? ये मुल्क में अगर आप देखेंगे HDI कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मुस्लिमों की अवस्था दलितों के जैसा है, कुछ माने में तो दलित से भी पीछे है। तो ये समुदाय के समृद्धि, विकास, खुशहाली कैसे हो? हम छोटा ही अपने छोटा ही उम्र में हम अपने बच्चों को लगा देते हैं, जाकर ये काम करो, वो काम करो, बैग बनाओ, झोला बनाओ, और क्या क्या करो, पैसा आता है, बिल्डिंग बनता है, बुद्धि कहां से ले आइए, किस जगह से लीजिएगा, किस दुकान से लीजिएगा? बड़ा घर होने से बुद्धि बड़ा ज्यादा नहीं होता है। सबसे पहले हालांकि रसूल भी कहे जो तालीम लेना हो तो चाइना तक भी जाओ, लेकिन हम यहीं स्कूल तक नहीं भेजते हैं बच्चों को, तो कैसे होगा? जो कौम खुद को अपने हालात को परिवर्तन करना बदलना नहीं चाहा है, वो कौम का हालात परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए मुसलमानों को खुद अपने को बदलना होगा। हमें शिक्षा में जोड़ देना होगा। एक शिक्षा है जो जानवर और मनुष्य में क्या फर्क है वो छूट जाता है। शिक्षा है जो सही क्या है गलत क्या है बताता है। इतनी अच्छी अच्छी इतनी छोटी छोटी बच्ची अंग्रेजी में बोल रही है, हिंदी में बोल रही है, नेपाली में बोल रही है, सब में, उर्दू अरबी सब में बोल रही है, इसलिए बोल रही है कि वो पढ़ रही है। उनकी अब्बा उनकी अम्मा क्या करते हैं वो पता नहीं है, लेकिन यहां आई है वो सीख रही है, इसलिए वो समझ रही है। आप कहीं पढ़ाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। बच्चों और बच्चियों दोनों हमारी संतान है, हमारी औलाद है। दूसरा समुदाय में देखा जाता है तो बेटा के कम से कम घर खेत बेचकर पढ़ा लेता है, लेकिन हम यहां घर खेत किनने के लिए हम भेज देते हैं मलेशिया, कतर, और नहीं तो बॉम्बे, और नहीं है तो वहां जाके दिल्ली जाके कार्यक्रम करके ले आए, पैसा ले आए, बड़ा इमारत बना ले, बड़े बिल्डिंग बनाए, दो चार दस बीघा खेत बना ले, इससे सुधरेगा नहीं, इससे हालात नहीं सुधरेगा। पढ़ाइए, काबिल बनाइए। क्या लगता है जो आपके सामने मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा है, मैं 20 वर्ष अंग्रेजी का लेक्चरर रहा हूं, मैं खुद सेकेंड क्लास ऑफिसर रहा था, मैं अंग्रेजी में मास्टर डिग्री किया, LLB किया, मैं लाइसेंस प्राप्त वकील भी हूं,
क्या इसी तरह मिला है? जहां तक काबिलियत के बात आता है तो पढ़ने से होता है। दुनिया देश और दुनिया वही समझ पाता है जिसके पास तालीम होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, जिसके पास शिक्षा होता है। हाँ, हो सकता है मेरे पास बड़े बिल्डिंग नहीं है आप लोग जैसे, छोटा ही है, रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा खेत नहीं है। मैं एक कहना चाह रहा हूं कि हम सब कोई यहां रहने वाले वो मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री के लायक है, बशर्ते हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, काबिल बनाएं, सक्षम बनाएं, तभी हमारा जो अपना जो मुसलमानों के जो हालात है वो परिवर्तन हो। बहुत सारा बात कहने का है, समय बहुत कम है, क्योंकि हम लोग बहुत लंबा उधर बिता दिए, मैं बहुत लंबा बोलता, लेकिन मैं इतना कहूंगा, जो यहां तालीम बच्चे ले रहे हैं, हम मुझे लगता है तो हम सब तो नेपाले के, बहुत सारा तो नेपाल के ही होंगे, होंगे ना? क्या यहां मुल्क में अभी का जो हम लोग का ये विरासत में मिला है, जो आज तक मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को क्या उनकी सर्टिफिकेट की सरकारी मान्यता नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन क्यों नहीं मिला? आज तक हम लोग किस में, कभी रुख में, कभी सूरज में, कभी इधर तो कभी उधर भटक भटक कर दिए हैं, लेकिन कभी वो नेताओं से आप पूछे हैं जो हम जहां पढ़ते हैं, हम जहां अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जहां तालीम देते हैं, क्या वो तालीम की ये मुल्क में मान्यता नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए। ये मुल्क में कभी भी इसके तरफ गौर और फिक्र नहीं हुआ। मैं यहां मौलाना लोगों के बीच में, आप जैसे आलिम लोगों के बीच में, विद्वानों के बीच में, मैं भले ही मैं 20 वर्ष अंग्रेजी का लेक्चरर रहा, ऑफिसर रहा, लेकिन आप लोगों के मैं ज्ञान, आप लोग के जो क्षमता, आप लोग के जो बोलने के तरीका मैं सुनता हूं, तो मुझे लगता है जी मुझे बहुत कुछ सीखना है आपके सामने, तो मैं कुछ नहीं, उतना ज्ञान है आपके पास, वो क्षमता है आपके पास, लेकिन क्षमता वो क्या करेगा, उसका महत्व नहीं है। वो क्यों नहीं महत्व दिया जाता है? इसलिए आज की आवश्यकता ये है जो बच्चों जो तालीम लेते हैं उनकी सरकारी मान्यता हो, और प्रदेश सरकार इस पर गंभीर है, प्रदेश सरकार चाहती है कि ऐसे तालीम लेने वाला बच्चों को उन्हें उनकी सर्टिफिकेट की मान्यता दिया जाए, इंशाल्लाह ये किया जाएगा, मेरी विश्वास। रही बात कि अभी की अवस्था में जब तक हम समाज के रूपांतरण नहीं करेंगे, सोच में अपना परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो हमारी समाज की समृद्धि और विकास संभव नहीं है। हमारे समाज में आज भी मुसलमान के बीच में देखा जाए, चाहे हमारी हमारी समुदाय के बीच में देखा जाए, होल समाज के, तो महिला काफी पीछे है, लेकिन इसलिए कि उनकी कहीं जो अवसर है उनका पहुंच नहीं है। वो महिलाएं होने के कारण से वो बहुत अवसर से वंचित रहती है, इसलिए प्रदेश सरकार शुरू से ही गंभीर रहा, प्रदेश सरकार शुरू से ही गंभीर है जो महिलाओं के हालात के वस्तु में कैसे परिवर्तन ले आया जाए।
यह 2075 मांग एक गते के बाद ये प्रदेश के भीतर जितना बच्ची चाहे कोई भी जातीय समुदाय के हो, दलित हो, मुस्लिम हो, झुपड़ी में रहने वाला या महल में रहने वाला, ये प्रदेश के सीमा के भीतर जितना बच्ची जन्मी है वो लखपति होकर जन्मी है, उसके खाता में 1,25,000 जन्मते ही हम चाहते हैं जो इससे भी ज्यादा मिले उनके, ये हमारी प्रयास है। बहुत सारा कार्यक्रम है, बहुत सारा अभियान है हमारे, अभी डिटेल में जाने का समय नहीं है, मैं जाना भी नहीं चाहता हूं, अभी हम लोग का दूर जाना है। ये पहला प्रदेश है जहां हम प्रहरी एन ले आए हैं, निजामती सेवा विधेयक अब सदन में आएगा, वो विधेयक आने के बाद महिलाओं के यहां 50% सरकारी जागीर में गारंटी किया गया है। ये नेपाल में पहला प्रदेश है जहां महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षण किया गया है, ये पहला प्रदेश है। हम चाहते हैं जो कहीं भी पढ़े बच्चे उनकी सरकारी मान्यता हो, वो पढ़ाई की उनकी मान्यता मिले, वो मदरसा ही में पढ़ने से वो पीछे नहीं रहे, अवसर से वंचित नहीं रहे, उन्हें भी अवसर मिले। यहां अभी तक जो बच्चे बच्चियां ऐसी मदरसा में पढ़ते हैं, मस्जिद में पढ़ते हैं, उनकी सर्टिफिकेट की क्या कीमत है, कौन देगा कीमत? इसलिए उनकी सर्टिफिकेट की मान्यता हो। बहुत अच्छा सोच है आपने रखा, ये इसको बढ़ाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इंशाल्लाह हमारे भी प्रयास रहेगा बढ़े। काफी अच्छा आप लोगों ने इतना बच्चियों को, यतीमों को आप लोगों ने इतना बड़ा सेवा में लगा है, अल्लाह ताला आप लोगों का जो मिशन है उसमें पूरा करे। और हमारी तरफ से, प्रदेश के तरफ से जो भी हमें करना पड़ेगा इंशाल्लाह हमारी सहयोग रहेगी। यही दो शब्द के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सामने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने हर पैराए को लिया, इस्लाम को भी, और इसके अलावा प्रदेश नंबर 2 में बसने वाले जितने भी लोग हैं सब के तहत उन्होंने बात की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी ज़िंदगी को तादेर कायम रखे ताकि उनका साया हमारे ऊपर रहे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंसान की बतौर इंसानियत खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं एक बात की तरफ इशारा करना चाहूँगा तमाम हाजरीन को कि तमाम हाजरीन और सामईन जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके खाने का इंतज़ाम है, खाना खाने बगैर नहीं जाइएगा, नहीं तो खाना जो बर्बाद होगा जो हमारे लिए ना आपके लिए मुनासिब है। इसी तरीके से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पर हमारे मेहमान मेयर, उप मेयर और जितने भी वार्ड सदस्य वगैरह आए हुए हैं सबका सम्मान पत्र यहाँ पर है, आप अपने सम्मान पत्र को लेकर ही जाएँ और हमारा जो आपने मेहमान नवाजी करने का जो मौका दिया उसको मुकम्मल करके जाइएगा, ऐसा नहीं आ रही में चले जाएं। इसके बाद में मेहमानान गरामी, यकीनी तौर पर दिल तो ये गवारा नहीं कर रहा है कि आप लोगों को यहाँ से जाने दिया जाए। हालात से मजबूर हो,
बस जो बाकी जो हमारे दो तीन मेहमान आ गए हैं उनकी तकरीम करने के लिए बहुत बहुत ही संक्षिप्त में मैं इस संस्था के संचालक फजीलतुल शेख रियाजुल हक साहब से गुजारिश करूंगा कि मैं एक मरतबा फिर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इज्जत माप जनाब लाल बाबू राव साहब को जहमत स्टेज देता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप आए और आप अपने प्रिय नेता हम सबके प्रिय नेता जनाब रामकिशोर यादव जी का सम्मान आप अपने हाथों से दोशाला ओढ़ा करके करें। और इसी तरीके से और इसी तरीके से अब इसके बाद प्रदेश नंबर दो के विकास समिति के अध्यक्ष जनाब फूल बाबू से गुजारिश करता हूं कि आप आए और मुख्यमंत्री के हाथों आप दोशाला लें और तकरीम कराएं। और हाजरीन माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जो मेहमान खुसूसी है इस स्टेज के जो जीनत बने हुए हैं उनके पास वक्त नहीं है, बाकी जो हमारे मेहमान हैं उनका भी सम्मान पत्र बना हुआ है, इंशाल्लाह वक्त मिलने के बाद जैसे हम लोग फारिग होंगे उनके घर तक उनके ठिकाने तक इज्जत एहतराम के साथ पहुंचा दिया जाएगा। एक बार मैं फिर मेहमान ग्रामी का शुक्रिया के साथ सम्मान पत्र जो है इंशाल्लाह बाद में भेज दिया जाएगा। इसके बाद बौद्धी मय नगर पालिका के मेयर जनाब राजू यादव को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। जनाब मौलाना अशरफ मुखिया साहब जो इस गांव के मुखिया भी है राजपुर नगर पालिका से, उनसे गुजारिश है कि वे स्टेज पर आए। जनाब सगीर साहब, जनाब डॉक्टर अब्दुल समद साहब, जनाब खुर्शीद आलम साहब, जनाब आबिद वकील साहब, अब शुक्रिया के साथ मैं अपने मेहमान मुकर्रम को स्टेज से उतरने की जहमत देता हूं और जो हमारे आखिरी मेहमान रह गए हैं फूल बाबू साहब सांसद जो है हमारे इस जिला के, उनसे गुजारिश है कि हमारे आखिरी मेहमान को दोशाला ओढ़ा करके उनकी तकरीम करें। अब खाने के लिए समय